हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई आज क्लास सेकंड का चैप्टर नंबर, हम जो 9 पढ़ रहे थे उसका पार्ट नंबर कौन सा पढ़ेंगे? 2 पार्ट पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आपको फर्स्ट पार्ट पढ़ के बता दिया है और उतनी कहानी मैंने आपको समझा भी दी है, ठीक है? तो आगे की कहानी हम पढ़ते हैं। सभी अयोध्या वासियों ने इस अवसर पर अपने घरों को दीपक तथा फूलों से सजाया। कैसे सजाया? फूलों से और दीपक से, ठीक है? तभी तभी से प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। सभी लोग अपने घरों की साफ सफाई करते हैं तथा घरों को दीपक से जगमगाते हैं। दीपावली का त्यौहार हिंदू लोग बड़े उल्लास के साथ मनाते हैं। इस त्यौहार से पहले लोग अपने घरों की साफ सफाई करते हैं। अमावस्या की रात को लोग गणेश लक्ष्मी का पूजन करते हैं। रात को बच्चे पटाखे छोड़ाते हैं तथा खिलौने एवं मिठाइयाँ खाते हैं। भारत के अलावा दीपावली विश्व के अनेक देशों में मनाई जाती है। तो इसमें ये बताया गया है, जब भगवान श्री राम का तिलक हो गया था, तिलक के बाद क्या हुआ था, जब वो अयोध्या आ गए तो उनका तिलक हुआ था, तो लोगों ने क्या मनाया था, बहुत उल्लास के साथ, खुशी के साथ अपने घरों को सजाया था दीपक और फूलों से। और ये त्यौहार कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष मतलब कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। इस टाइम लोग क्या करते हैं, इस समय में लोग घर की साफ सफाई करते हैं और अपने घर को जगमगाते हैं दीपक और मोमबत्तियों से। और ये जो त्यौहार होता है हिंदुओं का बहुत ही प्रिय त्यौहार होता है। लोग घर की साफ सफाई करते हैं अमावस्या को। ये त्यौहार अमावस्या की रात को लोग गणेश और लक्ष्मी जी का पूजन भी करते हैं। इस दिन बच्चे क्या करते हैं, खेल खिलौने मिठाइयाँ भी खाते हैं और इस समय इस त्यौहार पे बच्चे पटाखे भी जलाते हैं, छोड़ते हैं। तो बेटा आज का जो हमारा चैप्टर 9 था वो कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड मैं आपको प्रश्न देती हूँ, जो आपको किसमें करने हैं आपको अपनी बुक में ही करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कंप्लीट करना है, क्वेश्चन नंबर 4 आपको कंप्लीट करना है। क्वेश्चन दे रखा है, ऑप्शन आपको दे रखे हैं, क्वेश्चन पढ़ के सही आंसर इसको इसमें फिल करना है। और क्वेश्चन आंसर मैं आपको कॉपी में करवाऊंगी, कैसे करने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे बेटा।